सारे जाखू टेम्पल जो कि बहुत ही प्रचलित मंदिर है हनुमान जी का। सो फ्रेंड्स, अभी आज हम लोगों ने तारा देवी टेम्पल के दर्शन किए जो यहाँ से कम 40-45 मिनट्स की दूरी में है। और अभी हम लोग जा रहे हैं जाखू टेम्पल जो कि बहुत ही प्रचलित मंदिर है हनुमान जी का। और अभी शाम के ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मॉल रोड है वहीं से इसका रास्ता जाता है। ये देखिए, ऊपर आप देख रहे हैं हनुमान जी की प्रतिमा, वहाँ जाना है, वो है मंदिर। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं, यहाँ से दो रोड है, किस तरफ को जो जाती है वो मॉल रोड की तरफ है, ऊपर जो जा रही है वो रिज की तरफ है। मतलब हमें ऊपर वाली रोड पकड़नी है जाखू टेम्पल के लिए जाने के लिए। वैसे तो मैं मैप चला के जा रही हूँ जो हमारे वहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में दिखा रहा है, लेकिन मैंने पता किया, उससे पता चला कि काफ़ी ऊंचाई में है मंदिर, बहुत सारी स्टेयर्स चलनी पड़ती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो रिज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉक करने के लिए बहुत अच्छा पाथवे बना हुआ है और बहुत सारे शॉपिंग के लिए भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। क्योंकि दोस्तों, पूरे के पूरे मॉल रोड एरिया में कहीं भी व्हीकल चलाना अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ पे इस रोड में व्हीकल नहीं चला सकते, इसलिए यहाँ पे इस लंबी रोड में आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप ये जो सामने देख रहे हैं, यहाँ पे शाम ढलते ही बहुत अच्छा फाउंटेन रहता है, म्यूजिक इफेक्ट। ये यहाँ पे ये बहुत फेमस चर्च है, इस तरफ को आप जाएंगे तो आपको रोप वे जो है वहाँ से जाने का, गाड़ी बुक करा के जाने की फैसिलिटी। और ये है पदयात्रा से आप मंदिर की ओर जा सकते हैं। यहाँ लिखा गया है और इसके साथ साथ आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस वॉक टू जाखू टेम्पल। अगर आपको इस एज ग्रुप में है तो आपको इतना मिनट लगना चाहिए, इस एज ग्रुप में तो इतना मिनट लगना चाहिए, तो ये फिटनेस टेस्ट भी एक तरीके से आपका। और ऊपर की ओर रास्ता दोस्तों, जैसे ही आप ऊपर शुरू करते हैं चढ़ाई, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दुकानें दिखती हैं, लास्ट आपको डायरेक्टली मंदिर में ही दुकानें मिलेंगी, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी नाश्ता करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने 5:53 पे दोस्तों स्टार्ट की है अपनी जर्नी। अब भगवान के दरबार जाना है तो वॉक करके ही जाना अच्छा लगा। यूँ तो टैक्सी जो है, गाड़ियाँ और रोपवे की फैसिलिटी है यहाँ पे, पर पर्सन 500 रुपीज़ चार्जेस है वन साइड का। और अभी शाम के समय अगर आप जाते हैं तो उसका चार्जेस 280-290 समथिंग है, 275 एक ही साइड का रहता है अगर आप 6 बजे के बाद जाते हैं तो रोपवे में। और गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं 3 पर्सन चाहे 1 पर्सन, तो 500 आने जाने का रहता है। चर्च से, रिज से हम लोग जो लेफ्ट साइड को चढ़े थे, सीधी रोड, वो पूरी एक चढ़ाई खत्म होने का, लेफ्ट साइड आपको टर्न करना है, फिर ये ऊपर एक सीधी चढ़ाई है। ये देखिए, एकदम सीधे ऊपर चढ़ना है, फिर एक ढलान खत्म होने के बाद अनदर, ये सीधी ढलान है। 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है, अब ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर बाकी है। ये देखिए, अब यहाँ से ऊपर का रोड पकड़ना है, यहाँ पे थोड़ा बंदरों का ज़्यादा डर है, इसलिए बंदरों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। जय श्री राम। फिर ऊपर एकदम सीधी चढ़ाई, बस अभी थोड़ी सी देर बेंच में एकदम रेस्ट करके अब आगे बढ़ते हैं।
अब सामने से कंटिन्यूस स्टेयर्स यहाँ दिखा रहे हैं मंदिर तक जाने के लिए। लेट्स सी, देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ भी हैं और ऐसे ढलान भी है। ये पूरा डायरेक्ट मंदिर की ओर जाता है रास्ता। अब यहाँ से दोस्तों ना बंदर जो है वो बहुत सारे शुरू हो जाते हैं, इसलिए बी केयरफुल, कुछ भी सामान ला रहे हैं चेन में बंद रखिए, पकड़ के लेके चलिए, कभी भी अटैक हो सकता है। मैं अभी मोबाइल अब बंद कर रही हूँ और अपने बैग में डाल रही हूँ। आपको ये पूरा एरिया दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने मोबाइल बाहर निकाला है और ये पूरा एरिया दिखाने के लिए इसी पर्पज़ से यहाँ शेड भी बनाया गया है ताकि चलने में भी आसानी हो और बंदरों से सुरक्षा हो। देखिए आप ऊपर देख सकते हैं वहाँ रोप वे भी अभी चल रहा है, तो इस तरीके से रोप वे के थ्रू भी आप यहाँ कार केबल के थ्रू यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ नीचे पूरा देखिए डेंस फॉरेस्ट है और एकदम घने जंगल के बीच बना मंदिर है। आज से 8-10 साल पहले तो ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं भी सीमेंट की हुआ करती थी और ऐसा स्लोप नहीं था, ऐसे शेड नहीं थे, ये जो केबल कार चलती है रोप वो भी नहीं था। ये 4-5 साल पहले से ही शुरू हुआ है, तो अभी तो बहुत सुविधा है दोस्तों, आसानी से आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए बस हनुमान जी के यहीं से दर्शन हो गए, बस अब थोड़ी सी और स्टेयर्स चल रही है एंड देन जय श्री राम। सो फ्रेंड फाइनली ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स का वॉक करके हम टेंपल पहुंच गए हैं। ये जो पूरी स्टेयर है जहाँ से प्रसाद मिलता है वहाँ से टोटल 157 स्टेयर्स है। श्री बाबा जी बालकनाथ मंदिर इस तरफ है। और इसके अपोजिट चाहे हनुमान जी का मंदिर है, जाकू टेम्पल। रास्ते में हनुमान चालीसा लिखी गई है हर दीवार पे, जय श्री राम पवन पुत्र हनुमान जय। ये देखिए दोस्तों ये जो है 108 फीट हनुमान जी की प्रतिमा है और शाम के 7 बजे यहाँ पे आरती होती है। ये इसका पूरा प्रमाइसिस है मंदिर का और ये सामने है जाकू टेम्पल। अभी हनुमान चालीसा चल ही रही है, 7 बजने में थोड़ा ही समय है तो आरती का भी समय हो रहा है। बस एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ बंदरों का बहुत डर है, तो बहुत सावधानी पूर्वक अगर आप फोटो और वीडियो लेना चाहते हैं थोड़ी सावधानी बरतिए क्योंकि वो छीन के स्नैच करके ले जाते हैं सामान को, छीन के ले गया पैकेट। नाउ ही इज एंजॉयिंग तो चढ़ा देते हैं। आप बहुत फास्ट आए ना, वॉकिंग कर। और यहाँ से मंदिर की ओर ये जाता हुआ रास्ता है, आप देखिए सामने ये मंदिर दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे हनुमान चालीसा भी जो है वो लगी हुई है। जल्द ही यहाँ पर 7 बजे के आसपास आरती होती है। रघुबर बिमल जसो जो दायक बलचारी। जय श्री राम। दोस्तों मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग चप्पल उतार रहे हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पर एक रूम भी दिया गया है जूते चप्पल उतारने के लिए। आई सजेस्ट कि आप वहीं पे उतारिए क्योंकि जानवरों का यहाँ डर रहता है।
और ये मंदिर के आसपास का पूरा प्रांगण है, चारों तरफ आप देखेंगे हरियाली से ढका हुआ परिवेश है और बहुत ही ऊंचाई में बना हुआ मंदिर है, इसलिए आप नीचे से पूरा शिमला का नज़ारा भी देख सकते हैं। इवन ये जो प्रतिमा है इतनी विशालकाय है कि दोस्तों मॉल रोड से आसानी से रात के समय में चमकती हुई प्रतिमा बहुत ही सुंदर और मनोरम दिखाई देती है। और ये मंदिर के ही बिल्कुल पड़ोस में अपोजिट साइड में भंडारा कक्ष है, हर संडे को यहाँ पे भंडारा होता है दोस्तों, और इसी के पड़ोस में ये छोटा सा गार्डन भी बनाया गया है। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है, दर्शन करके बहुत ज़्यादा आनंद आ गया और बहुत सुकून मिल रहा है और बहुत ही अच्छी प्रमाइसिस में बना है ये टेम्पल। तो इस टेम्पल को तो आप शिमला आ रहे हो तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। जाते टाइम लेके पूरा बजरंग बाण जो है वो लिखा गया, आते टाइम उसमें पूरे के पूरे हनुमान चालीसा लेके गई थी। ये मंदिर के बाहर ही आप देख रहे हैं कुछ फूड स्टॉल है जिसमें मैगी की बहुत सारी वैरायटी मिलती है और सामने ही ये टैक्सी के ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड अब ऑलमोस्ट शाम के 7:30 बजने वाले और हम मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस जा रहे हैं। अब हल्की हल्की ठंडी शुरू हो गई है इसलिए स्वेटर पहन लिया है, क्योंकि पूरा जंगल वाला एरिया है तो स्वेटर टोपी ज़रूर पहनिए अगर आप पैदल यात्रा वापस कर रहे हैं तो। सो फ्रेंड्स हम लोग जाकू टेम्पल से नीचे उतर गए, नीचे उतरने में हमको ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लगे, मतलब हाफ टाइम लगता है अगर आप 30 मिनट्स में चढ़ाई कर रहे हैं तो 15 मिनट्स आपको उतर। Get over here.